यहाँ पर ये सेटअप इंस्टॉल किया हुआ है जिसमें श्नाइडर का पीएलसी है, TM200 सीरीज़ का, और मीटर है सेलेक्ट कंपनी का MFM384, ये वाला मीटर है। और हमने इसमें वायरिंग का रखा हुआ है ताकि इसमें कुछ वैल्यूज़ आएँ। और आप यहाँ देखते हैं वोल्टेज आ रहा है, करंट आ रहा है, करंट क्योंकि मैंने एक लोड लगा रखा है सर्किट में, और सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। वोल्टेज हर एक फेज़ में कॉमन आ रहा है क्योंकि एक ही फेज़ लूप किया हुआ है। करंट की वैल्यूज़ भी कुछ शो कर रही हैं। बैक साइड ऑफ मीटर पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर वोल्टेजेस कनेक्ट किया हुआ है, तीनों फेज़ की वोल्टेज और न्यूट्रल। और यहाँ पर जो है करंट के कनेक्शन होने हैं जिसमें कि मैंने ये जो लोड है, लोड का करंट इसमें लूप किया हुआ है, इसलिए हमारे पास कुछ करंट की वैल्यूज़ भी आएंगी। और अगर इस तरफ आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास RS485 कम्युनिकेशन का वायर लगाया हुआ है, और यहाँ पर लाइन न्यूट्रल दिया हुआ है ताकि यहाँ पर ये पावर अप हो जाए मीटर। और अगर अब इस 485 कम्युनिकेशन वायर को हम लोग देखें प्रॉपरली तो गौर कीजिए, रेड वायर जो है प्लस पे लगा हुआ है और ब्लैक वायर जो है कम्युनिकेशन का माइनस पे लगाया है। तो RS485 का प्लस वायर जो है रेड है, और यही रेड वायर मैंने PLC में RS485 जो पोर्ट है यहाँ पर गौर कीजिएगा, तो ये जो इसमें D1 है ये रेड पे आएगा, और ब्लैक वायर जो कम्युनिकेशन का है D0 पे आएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को वायर्स लगाने हैं कम्युनिकेशन के, और PLC में ये रेड और ब्लैक वायर जो यहाँ पर है, रेड और ब्लैक वायर ये पावर अप करने के लिए PLC को। तो अभी मैंने PLC में सिर्फ यही कनेक्शन किया हुआ है, पावर अप किया है और कम्युनिकेशन वायर लगाया है RS485 का। तो अभी हम लोग इस PLC से इसकी मेमोरी एड्रेस रीड करेंगे MFM384 मीटर का। श्नाइडर PLC का सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं, इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट बेसिक। यहाँ पर प्रोटेक्शंस इनएक्टिव कर देते हैं, बोथ प्रोटेक्शंस इनएक्टिव, और अप्लाई करेंगे। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन पे PLC सिलेक्ट करना होगा जो मॉडल अवेलेबल है मेरे पास में, और मेरा PLC का मॉडल TM200CE40U है। तो TM200 में हम लोग क्लिक करेंगे कंट्रोलर्स पे, और उसमें देखना होगा TM200CE40U, CE40U, दिस वन TM200CE40U, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ प्लेस करेंगे और यस करेंगे तो रिप्लेस हो जाएगा। ये हमारा PLC यहाँ पर आ गया है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रोग्रामिंग में आते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन में भी दोबारा से आते हैं इसमें, और यहाँ पर हम लोगों को सीरियल पोर्ट को कॉन्फ़िगर करना होगा। तो देखिए सीरियल पोर्ट को क्लिक किया तो यहाँ पर मॉडबस आया डिफ़ॉल्ट पे, और बॉड रेट 19.2K है, 19200, इवन पैरिटी है, और डेटा बिट 8 है, स्टॉप बिट नन है, स्टॉप बिट सॉरी 1 है। और ये सारे डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन के सेटिंग्स हैं, और इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, बट जो सेटिंग्स यहाँ पर होंगी बॉड रेट पैरिटी और डेटा बिट की, स्टॉप बिट की, वही कम्युनिकेशंस मीटर पर भी होना चाहिए सेटिंग्स। तो इसको हम लोग बाद में इसको मैच करेंगे, और इधर फिलहाल एक लॉजिक बनाते हैं हम लोग। तो हम लोग को रीड करना है तो ऐसा करते हैं, एक मेमोरी बिट लेते हैं और परसेंटेज S12, ये रन मोड का बिट हो गया। अगर PLC रन मोड में रहेगा तो ये ऑन रहेगा, और इसके बाद हम एक टाइमर सेलेक्ट करते हैं। ये टाइमर मिनट पे है डिफ़ॉल्ट पे, और इसको हम लोग बेस 10 मिली सेकेंड ले लेते हैं, और प्रीसेट 1000 करते हैं। अप्लाई करेंगे,
तो यहाँ पर चेंज होगा। तो देखिए टाइमर हम लोगों ने 10 मिली सेकेंड बेस का और 100 के ले लिया है, और इसके बाद अगर हम एक मेमोरी बिट ले लें यहाँ पर जो कि टाइमर का 10 बिट ऐड करेगा, तो परसेंटेज M1 कर देते हैं इसको, और इसी का NC हम लोग एलिमेंट यहाँ पर डालते हैं, NC परसेंटेज M10 का, सॉरी परसेंटेज M1 का। ये टाइमर अब ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा जैसे ये डन बिट होगा और मेमोरी बिट इसका, और हर वक्त ये लूप पे कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और इसके बाद नेक्स्ट टर्न लेते हैं, और नेक्स्ट लाइन में एक हम लोग रीड इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, तो परसेंटेज S12 रन मोड पे, और उसके बाद हम लोग टाइम का वैल्यू कंपेयर करेंगे, तो कंपेरिजन ब्लॉक और एक और कंपेरिजन ब्लॉक, और यहाँ पर अगर हम लोग रीड इंस्ट्रक्शन देखें तो यहाँ पर हम लोग आएंगे और यहाँ पर रीड वेरिएबल जो है ब्लॉक इसको यूज़ करेंगे, तो रीड वेरिएबल ब्लॉक को यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, और इसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं लाइन को, तो देखिए अब हम लोग टाइम कंपेयर करेंगे कि कब ये रीड इंस्ट्रक्शन ब्लॉक कितने टाइम के लिए इनेबल रहेगा, और इसके लिए हम लोग यहाँ पर कंपेयर इसका जो टाइमर है परसेंटेज TM0, देखिए हम लोग को लिखना होगा परसेंटेज TM0.V जो कि वैल्यू है, इट शुड बी ग्रेटर देन सपोज कि हम लोग 10 कर देते हैं, और दूसरे में यूज़ करते हैं परसेंटेज TM0.V शुड बी लेस देन से 200 मिली सेकेंड। तो ये जो कंपेरिजन ब्लॉक है 10 मिली सेकेंड से ज़्यादा टाइम होगा और 200 मिली सेकेंड से कम होगा, उस ड्यूरेशन के लिए ये ब्लॉक इनेबल रहेगा रीड इंस्ट्रक्शन। और रीड वेरिएबल में हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए नोड आईडी 1 है, टाइम आउट 100 है, और ऑब्जेक्ट टाइप 0 है, रीड मल्टीपल वर्ड्स रीड 1 है, और ये और हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे थर्ड पॉइंट को रीड मल्टीपल वर्ड्स मॉडबस, तो ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, आप ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्ट टाइप थर्ड रीड मल्टीपल वर्ड्स। और इसके बाद यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा जहाँ से हमें रीड करना है, तो हमारा मीटर का मेमोरी एड्रेस देखना होगा क्या फर्स्ट है, और उसी हिसाब से इसको रखना होगा। तो मेमोरी एड्रेस जहाँ से भी मेमोरी शुरू होती है तो हम लोग 0 से ही स्टार्ट करेंगे सारी वैल्यूज रीड करने को, और हम लोग 62 वर्ड्स रीड करते हैं एक साथ। हमारा जो मीटर है MFM384, इसमें फ्लोट वैल्यूज आती है जो कि 2 वर्ड ऑक्यूपाई करता है, तो अगर हमें 32 वैल्यूज रीड करनी है तो 62 क्वांटिटी रीड करनी होगी वर्ड्स की। और इंडेक्स डेटा में डेटा कहाँ पर कहाँ से चाहिए, तो परसेंटेज MF वैल्यूज आनी इसकी, तो हम लोग 0 से ही लेते हैं, तो परसेंटेज MF0 पे जो पहला मेमोरी एड्रेस होगा वो स्टोर होगा परसेंटेज MF0 पे। और सपोज अगर हम इसको इंडेक्स डेटा को 10 कर देंगे तो परसेंटेज MF10 पे स्टोर होगी वैल्यूज, पहली वैल्यू जो रीड करेगा, तो मैं चाहता हूँ कि परसेंटेज MF0 पे ही रहे, तो इसको हम लोग 0 ही रखते हैं, और इसके बाद हम लोग इसको अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा एक रीड इंस्ट्रक्शन ब्लॉक रेडी हो गया है रन करने के लिए, और इसके बाद हम लोग इसको इसमें आते हैं और लॉगिन करना होगा, और उसके लिए हमें USB पोर्ट सेलेक्ट करना होगा, मैंने केबल कनेक्ट किया हुआ है तो USB पोर्ट सेलेक्ट किया है, और लॉगिन करते हैं PLC पे। PLC टू कंट्रोलर डाउनलोड करना होगा, और स्टार्ट कंट्रोलर करते हैं। ओके,
तो देखिए ऊपर यहाँ पर ऑनलाइन भी है और PLC रन पे भी है, नो एरर भी है। और अगर हम लोग यहाँ पर प्रोग्रामिंग पे आ जाते हैं, यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि रन मोड पे PLC है और ये वैल्यूज टाइमर चल रहा है। और जब ये टाइम स्केल के बीच में आएगा जो हम लोगों ने सेट किया है 10 और 200 मिली सेकेंड के बीच में, तब ये रीड इंस्ट्रक्शन ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और हर एक सेकेंड पे ऐसा होगा ऐसा। तो अभी एक काम करते हैं, मीटर पे चलते हैं और मीटर का कम्युनिकेशन सेटिंग जो है वो इसे मैच करते हैं, क्योंकि अभी इसकी वैल्यूज़ अगर देखना है हमको वैल्यूज़, तो यहाँ पर हम लोगों को एनिमेशन टेबल क्रिएट करना होगा। ऐड न्यू एनिमेशन टेबल, और एनिमेशन टेबल 0 क्रिएट हो गया है। और यहाँ पर हमें अगर हम इसको देखें परसेंटेज MF0 ऐड करते हैं, तो अभी वैल्यूज़ नहीं आ रही, 0 वैल्यू आ रही है। और कुछ वैल्यूज़, चलिए मैं कुछ एड्रेस ऐड कर देता हूँ, परसेंटेज MF1, MF2, MF3। तो ये एनिमेशन टेबल में वैल्यूज़ आ गई हैं, अभी 0 0 आ रहा है क्योंकि तो मीटर की तरफ हमें सेट करना होगा। और उससे पहले कम्युनिकेशन यहाँ पर दोबारा से देख लेते हैं कि हमारा इसमें हम लोगों ने क्या ले रखा था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 19200 इवेन था। तो चलिए मीटर पे सेम सेटिंग करते हैं। मीटर पे प्रोग्राम देखने के लिए हमें ये प्रोग्राम की दोनों बटन्स प्रेस करनी होंगी, ये दोनों एक साथ मैं प्रेस करता हूँ। और ये पासवर्ड आया, पासवर्ड इसका जो है 1000 होता है डिफ़ॉल्ट में, तो ये है। और इसको हम लोग अप बटन दबाएंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे, तो ये पासवर्ड हो गया है। उसके बाद फिर एंटर करेंगे हम लोग, तो ये आ रहा है नेटवर्क 3 फेज 4 वायर। इसको फिर एंटर करेंगे तो नेक्स्ट पे आएगा, और CT5 है और CT प्राइमरी जो है 1000 है। और उसके बाद PT प्राइमरी इतना आ रहा है 350, PT सेकेंड, Slave ID आया 1, तो Slave ID हमारा 1 होना भी चाहिए। और बॉड रेट 19200 आ रहा है जो कि PLC में भी था। और इसके बाद पैरिटी नन आ रहा है, इसको हमें चेंज करना है, चेंज करते हैं इसको। पैरिटी इवन हो गया है और इसके बाद इसको एंटर दबाएंगे, स्टॉप बिट 1 है, इसको भी एंटर करेंगे और हमारा ये सारा कुछ हो गया है। अभी हम लोग ने सेटिंग चेंज किया है मीटर का, मैच किया है, तो देखिए वैल्यूज़ आ रही हैं। परसेंटेज MF0 पे वोल्टेज आ रहा है 245 वोल्ट, और इसके बाद MF2 पे आ रहा है 245, और वोल्टेज 3 आएगा MF, इसको देखिए MF3 तक ऐड किया हुआ है। अगर हम लोग 4 भी ऐड करेंगे तो MF4 में वैल्यूज़ आ रही है। और इस प्रकार से हमारी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें इंस्ट्रक्शन, तो हम लोगों ने 62 क्वांटिटी रीड किया, यानी कि 32 वर्ड्स रीड कर रहे हैं, सॉरी 32 ऐड किया, यानी 62 वर्ड्स रीड कर रहे हैं। लेकिन एक जो यहाँ पर हमारा वैल्यू है परसेंटेज MF0, ये 2 वर्ड्स ऑक्यूपाई करता है, तो इसलिए हमारा इस प्रकार से वैल्यूज़ आ रही है।